नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एटॉमी टीम वॉरियर इंडिया में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमी का जो नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन अभी 14 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दो साल पहले जो एटॉमी का जो रजिस्ट्रेशन था वो साउथ कोरिया की वेबसाइट atomy.kr पे चल रहा था, जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड में से एक चीज़ अपलोड होती थी। तो कुछ लीडर्स ने पैन कार्ड से कहीं और आईडी लगाई, फिर आधार कार्ड से कहीं और आईडी लगाई, यानी कि एटॉमी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका वायोलेशन किया। तो फिर एटॉमी ने क्या किया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों अपलोड करना है, 1 अक्टूबर से नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। अब 14 नवंबर से अगेन इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका जो नया वीडियो है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज 14 नवंबर को। तो उसमें क्या है कि पैन कार्ड वैलिडेशन परमानेंट कर दिया है कंपनी ने। आपके पास अगर पैन कार्ड होगा तो ही आप एटॉमी के मेंबर बन सकते हैं, वरना नहीं बन पाओगे। सबसे पहले आपको पैन कार्ड वैलिडेशन करना है और फिर वेरिफिकेशन करना है। पैन कार्ड में जो नाम होगा वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा उसके कॉलम के नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ राहत दी है कंपनी ने, पैन कार्ड और आधार कार्ड के अलावा आप एड्रेस आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी, लाइसेंस और पासपोर्ट और आधार कार्ड, ये चार चीज़ें अपने एड्रेस आईडी प्रूफ के लिए आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये, तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि atomy.kr की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात इस तरह की विंडो आपके पास आएगी, जो फर्स्ट स्टेप है। तो इस तरफ की विंडो आएगी, इसमें जो ज्वाइन का बटन देख रहे हैं आप, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बताऊँगा। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है ज्वाइन पे जो राउंड सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। atomy.kr से आपको लॉगिन करना है अकाउंट में, आपकी टीम की आईडी लगाने के लिए आपको सेकंड स्टेप ये फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप ये है, जैसे इस ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में कॉर्नर में आप देख रहे हैं ज्वाइन का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद जो आपको नया स्टेप है वो फॉलो करना है, नेक्स्ट। ठीक है, बाकी किसी भी यहाँ पे क्लिक नहीं करना। जो रेड मार्क क्लिक हेयर लिखा हुआ है, ज्वाइन राइट टॉप कॉर्नर 20 इयर्स एंड ओल्डर फॉरनर्स लिविंग अब्रॉड, डाउन साइड में जो है ज्वाइन लिखा हुआ है, क्लिक हेयर यहाँ पे करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, तो एटॉमी की जो मेंबरशिप टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पढ़नी है। आप इसमें सिर्फ यही लिखा है कि जो भी मेंबर हैं अभी एटॉमी इंडिया ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एज ए कंज्यूमर बेस होगा, यानी कि आप एज ए कंज्यूमर मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करोगे और आपके डाउनलाइन में जो लेफ्ट और राइट में जो टीम होगी वो अभी अगर प्रोडक्ट कोरिया से बाई करती है, किसी भी कंट्री से बाई करती है जहाँ पे एटॉमी का काम चल रहा है, तो उनका जो पीवी मिलेगा उनके पर्सनल आईडी पे वो ग्रुप पीवी काउंट होगा, और आपके लेफ्ट ग्रुप का राइट ग्रुप का जो पीवी मैचिंग है उसका पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। जब एटॉमी लॉन्च होगी तभी आपको कमीशन और पैसा जो भी आपके अकाउंट में मिलेगा। तो एज ए कंज्यूमर मेंबर आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको ग्रुप का कमीशन का पीवी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, एक मेंबर केवल एक ही आईडी लगा सकता है, यहाँ पे डबल आईडी अलाउ नहीं है, और जो कपल मेंबर है हस्बैंड और वाइफ उनमें से सिर्फ एक ही आईडी लगेगी, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन का प्लान है। ठीक है, थर्ड जनरेशन प्लान है, मैरिड कपल जितने भी हैं उनके नाम से एक ही आईडी लगेगी, या तो हस्बैंड की या वाइफ की। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट आईडी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करोगे, आपके गवर्नमेंट आईडी के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए और आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो राइट साइड में आई एग्री पे छोटा सा बॉक्स, इस पर क्लिक करना है, फिर नीचे जो एग्री लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कंपनी ने जो नया कदम उठाया है वो ये है कि यहाँ पे आप ऊपर इंडिया लिखा होगा, वो सेकंड जो स्टेप है पैन कार्ड, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड जैसे नंबर पूरा डालोगे यहाँ पे राइट साइड में वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे ऊपर एक मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर ओके, तो उसको जैसे आप ओके करोगे तब आपका यहाँ पे नाम रिफ्लेक्ट करेगा नीचे। ठीक है, जो वेरिफिकेशन मैसेज आएगा ओके का उस पर ओके कब पे क्लिक करना है आपको। वेरिफिकेशन के बाद एक मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर आपका नाम नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है आपको। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आधार कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके नीचे आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, फिर फ्रंट और बैक साइड आधार का यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट सेलेक्ट करते हो तो पासपोर्ट का फ्रंट आईडी प्रूफ पहले वाले उसमें चूज फाइल लिखा हुआ उसमें अपलोड करना है, और एड्रेस वाला नीचे में अपलोड करना है। इस तरह से वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस का आपको अपलोड करना है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे सपोज करो आपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो आप फ्रंट पेज यहाँ पे अपलोड करना है फर्स्ट वाले कॉलम में, और बैक साइड का जो पेज है कलर पेज वो यहाँ पे, जो भी यहाँ पे अपलोड करोगे वो कलर पिक होगी बिल्कुल क्लियर। और पैन कार्ड में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ आपका चारों डॉक्यूमेंट में होना चाहिए जो आप अपलोड करो। आपको डॉक्यूमेंट एक अपलोड करना है, या तो आधार कार्ड अपलोड करना है, या वोटर आईडी अपलोड करना है, या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, या पासपोर्ट, उन पे नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका सेम मैच होना चाहिए। तो ये आपको जानकारी के लिए हम बता दें। नेक्स्ट जो इसके नीचे जो चार स्टेप देख रहे हैं, इस पे राइट साइड में क्लिक करना है बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं चार, इस पे आपको क्लिक करना है सबके ऊपर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है, नेक्स्ट जो स्टेप आपको बता रहा हूँ, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे जो डिटेल्स बच गई है वो सारी भरनी है आपको। नेक्स्ट जो दसवां स्टेप है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, पासवर्ड, गेस्ट पासवर्ड, मोबाइल, पिन कोड, एड्रेस, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें भरने के बाद नीचे देख रहे हैं आई एग्री, क्लिक करना है छोटे से बॉक्स के ऊपर, और फिर सेंटर में बिल्कुल डाउन साइड में देख रहे हैं कन्फर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको आपकी आईडी किसके डाउनलाइन में आपको प्लेस करनी है, उसका स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे आपको डालना है। स्पॉन्सर आईडी डालोगे, राइट साइड में जो कन्फर्म लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, उस पर क्लिक करोगे तो उसकी स्पॉन्सर आईडी आपके सेंटर में आएगी, नाम और स्पॉन्सर आईडी, वो चेक करना है सही है तो आपको वहाँ पे गहरा ब्लैक कलर का बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करना है। और फिर आपको नीचे नाम चेक करना है अपने स्पॉन्सर का नाम, कि ये स्पॉन्सर का नाम ठीक दिखा रहा है कि नहीं। और नीचे सेंटर, सेंटर अभी रजिस्ट्रेशन से पहले आप सियोल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोरिया का कोई भी सेंटर सेलेक्ट करते हैं कर सकते हैं, बाद में वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट राइट साइड में कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का डिटेल्स का जो फिलअप किया हुआ फॉर्म आपके पास आएगा, आपने जो भी डिटेल यहाँ पे भरी है अभी एटोमी रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब आपको चेक करनी है, नाम, नेशनलिटी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, स्टेट, आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, स्पॉन्सर आईडी का नाम और नेम, अगर सही है तो आगे बढ़िए, नहीं तो बैक में जा करके उसको एडिट करके अमेंड कर सकते हैं। तो राइट साइड में डन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन होके इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका नाम आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मेंबर नंबर, सेंटर में आपका मेंबर नंबर आ जाएगा, और बिल्कुल राइट में पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एटोमी ने कुछ रजिस्ट्रेशन के जो स्टेप्स है, इसके बाद जो हम अपलोड करते थे वो पहले अपलोड करने लग गए हैं फ्रंट पेज में, जैसा कि आधार कार्ड हमने अपलोड किया था इस तरह से, तो यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स कम कर दिए गए हैं, 3 से 4। और यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर ही आता है, तुरंत आप लॉगिन कर सकते हो, अभी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1 वीक 2 वीक आईडी वेरिफिकेशन के लिए, लंबा समय का जो इंतज़ार है वो आपका ख़त्म हुआ। अभी जैसे आपने आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट, इस तरह का यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाता है, तो लॉगिन कर सकते हैं आप यूजर आईडी पासवर्ड से, और आप अपनी टीम क्रिएट करना आज इसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और एटोमी टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया इंटरनेशनली हर कंट्री में आपको टीम वॉरियर की सपोर्ट मिलेगी दोस्तों। टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और एटोमी से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एटोमी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।